हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 में चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एनसीईआरटी एग्जांपल सॉल्यूशन। एग्जांपल नंबर 7 हमें दे रखा बोला है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट, हमें किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उसे मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, 100 बन जा 100 डिवाइड बाई 3। अब 100 में डिवाइड देंगे 3 का, देखो 3 जा 9, 1 बच गया उतारा 0, 3 जा 9, कितना बच गया 1। अगर मैं इसको आके सॉल्व करूँगा तो कंटिन्यू डेसिमल में भी चलता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो इसको हम लिख देंगे मिक्स फ्रैक्शन में। जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को यहाँ लिखा, जो नीचे रिमाइंडर बचा वो ऊपर चला जाएगा न्यूमिनेटर में, और जिसका डिवाइड दिया वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और पीछे क्या लग जाएगा परसेंटेज, क्यों हमने इनटू कर दिया 100 से। तो अब हमारे आंसर कितना होगा, 33 1/3 परसेंटेज। क्लियर, ये हमारा एग्जांपल नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। जब भी परसेंटेज को करना है मल्टीप्लाई 100 से कर दो, डिवाइड हो रहा तो डिवाइड कर दो और आंसर के पीछे लगा दो परसेंटेज, हमारा आंसर परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 8 को। एग्जांपल नंबर 8 में बोला है, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन ए क्लास 15 आर गर्ल्स, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। बताओ गर्ल्स की परसेंटेज क्या होगी। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है टोटल चिल्ड्रन, तो यहाँ लिखा मैंने टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 25 हैं, जिसमें से गर्ल्स कितनी हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स वो हमें दे रखी 15। हमें इसको परसेंटेज में बताना है, यहाँ लिखेंगे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। ठीक, तो जितनी भी गर्ल्स हैं उनको रखेंगे हम न्यूमिनेटर में, नंबर ऑफ गर्ल्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जितने भी टोटल बच्चे हैं टोटल चिल्ड्रन। ठीक, और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू में आ जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, 100 होता है। लड़कियां 15 हैं, टोटल है 25, इंटू में लगा देंगे 100। क्लियर, देखो 25 4 जा 100 हुआ, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 60%, यानी कि जो गर्ल्स होंगी परसेंटेज में वो कितनी होंगी 60% होंगी। ये हमारा कोई एग्जांपल नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 9, सेम टू सेम वही है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। मैंने जैसे कि आपको बताया परसेंटेज का मतलब क्या है, 100, जब भी परसेंटेज लगाना है मल्टीप्लाई में 100 कर दो, 4 का डिवाइड कर देंगे 100 में, 25 आएगा क्योंकि 25 चौके 100 होता है, डिवाइड दे 25 आया, 5 × 25 कितना है 125 परसेंटेज। ये हमारा एग्जांपल नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।